हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या। तो प्रेगनेंसी के लक्षण किस हफ्ते से किस दिन से शुरू हो जाते हैं दिखने? बहुत सारी महिलाओं का ये क्वेश्चन होता है कि क्या जो वो सिम्टम्स महसूस कर रही हैं वो प्रेगनेंसी के हैं, और अगर हाँ तो क्या इतना दिन पहले से ही प्रेगनेंसी का लक्षण शुरू हो जाता है दिखना? गर्भधारण के 6 से 14 दिन के बाद से बहुत सारी महिलाओं में जो है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं, यानी जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया पूरा होता है, भ्रूण जो है गर्भाशय की दीवार पर जाकर चिपकती है, वैसे ही कुछ दिनों के बाद से आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखने महसूस होने लगेंगे। प्रेगनेंसी का सिम्टम्स में क्या क्या महसूस होने लगते हैं? सबसे पहले बहुत सारी महिलाओं को जैसे ही गर्भाशय की दीवार पर भ्रूण चिपकता है, गर्भधारण होता है, उनका प्रेगनेंसी शुरू हो जाता है, प्रेगनेंसी का जो फेज़ है वो शुरू होने लगता है, वैसे ही महिलाओं में हार्मोन प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, वो अपना लेवल मेंटेन लेवल में आने लगता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन्स प्रेगनेंसी को बरकरार रखने के लिए, प्रेगनेंसी को पूरे 9 मंथ तक बनाए रखने के लिए, बच्चे के हेल्थ और डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का रहना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनने लगता है, वैसे ही आप में कई तरह के सिम्टम्स जो हैं दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि ये आपको उल्टियाँ होना, मूड स्विंग्स होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, ब्रेस्ट में सोरनेस टेंडरनेस आना, ये सारे कुछ आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जैसे कि बालों में चेंज, नाखून में चेंज, स्किन में चेंजेस होना, ये सारा कुछ दिखना शुरू हो जाता है। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, बहुत सारे लोगों में बॉडी के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में भी चेंजेस होना शुरू हो जाता है, जैसे कि बहुत सारी महिलाओं का स्किन डल पड़ने लगता है, हेयर फॉल ज़्यादा होने लगते हैं, नाखून कमज़ोर होने लगते हैं, ये भी हो सकता है कि आपके नाक में भी प्रॉब्लम हो जाए, कफ़ की कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाए शुरुआती दिनों में, बहुत सारी महिलाओं में शुरू हो जाता है इम्प्लांटेशन के दौरान, तो वो सारे सिम्टम्स जो हैं आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये कई महिलाओं में गर्भधारण के 6 से 14 दिन के बीच या बाद में आपको शुरू हो जाएगा, यानी कि जैसे ही पीरियड आने वाला होता है 10 दिन पहले हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं। लेकिन अगर आप उस वक्त प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो रिज़ल्ट हो सकता है कि नेगेटिव आए, क्योंकि यूरिन में HCG का जो लेवल होता है वो अभी उस वक्त मेंटेन लेवल में नहीं होता है, जिसके कारण अगर आप उस वक्त चेक करते हो, पीरियड मिस होने के 10 दिन पहले ही अगर आप चेक कर लेते हो सकता है कि रिज़ल्ट नहीं आपको दिखे, लेकिन पीरियड मिस होने के 10 दिन बाद जब आप चेक करते हो तो रिज़ल्ट आपको एग्जैक्ट दिखेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब तक यूरिन में HCG का लेवल जब तक मेंटेन लेवल में नहीं आ जाता है, तब तक प्रेगनेंसी का जो टेस्ट है, वो एग्जैक्ट आपको शो नहीं होता है। जिन महिलाओं को भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स महसूस होने शुरू हो गए हैं, उन महिलाओं को पीरियड मिस होने तक, डेट मिस होने तक रुकना चाहिए और उसके बाद ही चेक करना चाहिए प्रेगनेंसी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।